कोरोना काल में मार्केट में वापस लौटी रौनक। सर्राफा व्यापारियों ने मार्केट में त्योहारों की तैयारी के करे सभी इंतजाम पूरे। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट हावी हुआ था, जिसके चलते पूरी दुनिया का उद्योग ठप पड़ गया था, जिसका असर पूरे दुनिया के साथ भारत में भी देखने को मिला था, और कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके चलते सभी व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गए थे। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन हटाकर सभी व्यवस्था पहले जैसे करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी की हैं, जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं। साथ ही कोरोना में आगामी त्योहारों के लिए मुरादाबाद के सर्राफा व्यापारियों ने तैयारी पूरी कर ली है, जिससे मार्केट की रौनक दोबारा पहले जैसी हो गई है। मुरादाबाद जनपद के मंडी चौक क्षेत्र में सर्राफा मार्केट है, जो कुछ समय पहले विराम पड़ी थी। कोरोना वायरस की दहशत में व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया था, लेकिन आगामी त्योहारों के चलते मार्केट की रौनक फिर से लौट आई है। सर्राफा व्यापारियों ने भी मार्केट में कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अपनी दुकानों को तैयार कर लिया है, और इसके साथ ही साथ आने वाले त्योहारों के लिए व्यापारियों ने स्पेशल आभूषण मंगाए हैं, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के महिलाओं के सोने और चांदी के आभूषण का इंतजाम किया है, और घर में इस्तेमाल होने वाले चांदी और सोने के बर्तन भी हैं, और इसके अलावा मार्केट में चांदी की मूर्तियां भी हैं, जिसमें नक्काशी का काम बहुत अच्छा किया गया है, जिसकी जनपद में काफी डिमांड आ रही है, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि इस बार व्यापार अच्छा होगा और लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी। साथ ही आने वाले त्योहारों के लिए मार्केट में लोग खरीदारी के लिए आना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते व्यापारियों के चेहरे पर रौनक है, और कोरोना गाइडलाइन फॉलो कर व्यापारी अपनी दुकान खोल रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। मैं अमित गुप्ता। किस तरह से दीपावली और क्या क्या तैयारी कर रखी है, इस समय किस हिसाब से कोरोना चल रहा है, कितना फर्क मार्केट पर आया है, कितना फायदा है? देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना तो एक महामारी चल रही है, बट इससे हम लोग काफ़ी हद तक बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ चुकी है, तो इससे हमारे बाज़ार को खास फ़र्क नहीं पड़ना है। अब लोग अपनी जो इसकी दूरियां हैं कोरोना से बचने के तरीके हैं, उससे वाकिफ़ हो चुके हैं, तो इसलिए अब लोगों में, अब मैं देख रहा हूँ कि उत्साह लौटने लगा है, बाज़ारों में रौनक पहले के मुकाबले बढ़ गई है, और लोग अब ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। जैसे अब पहले शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी लोगों की तैयारी शुरू हो चुकी है, लोग अपना जेवर उत्साह के साथ ले रहे हैं, और उसके बाद अब दिवाली है, उससे पहले करवा चौथ आना है, उसके लिए भी हमने काफ़ी वैरायटी इकट्ठी करी है, नए नए तरह के डिज़ाइंस, बिछुए, पजेबे, मंगलसूत्र, डायमंड की अंगूठियाँ, ये हमने करवा चौथ के लिए स्पेशल बनवा के रखी हुई हैं, और उसकी अभी से डिमांड हमें आनी स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद फिर आज के दिवाली की बात करें, तो दिवाली पे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, उसकी काफ़ी डिमांड रहती है, तो उसकी रेंज अब पूरी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास इंक्वायरीज स्टार्ट हो गई हैं उसके लिए, दिवाली के लिए, और बस ऑर्डर का इंतजार है कि हम उसे ऑर्डर में कन्वर्ट करें। देखिए, ऑर्डर तो अभी इतनी जल्दी नहीं आते हैं, अभी इंक्वायरीज चलती हैं, और उसके अंदर लोग चांदी के बर्तन या चांदी के गिफ्ट सिक्के वो बांटते हैं, उसके लिए लोग हमसे आके डिज़ाइन देखते हैं, उनकी रेंज अपने हिसाब से सेट करते हैं, तो उसकी इंक्वायरी रहती है। इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते से ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। देखिए, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, अभी तो टाइम है आने में, वो तो आने वाला वक्त बताया कि सेल बढ़ती है या उतनी रहती है। क्या नाम है सर? मैं नीरज अग्रवाल, सर्राफा कमेटी अध्यक्ष, मुरादाबाद। देखिए, करवा चौथ और दीपावली हमारे यहाँ दोनों ही कैसे मुख्य त्योहार हैं कि दीपावली से बड़ा त्यौहार हिंदुस्तान में नहीं माना जाता, और मेन बात यह है कि इस पे लेडीज़ की, जेंट्स की, सभी की खरीदारी बड़ा एक शुभ अवसर माना जाता है, और स्त्रियां इस दिवाली से पहले का जो त्यौहार इनका है, इस पे चांदी का और सोने का सामान खरीदना बड़ा शुभ भी मानती हैं, तो इसमें मुख्यतः पजेब, बिछुए, बहुत अच्छी वैरायटी, हर साल नई नई वैरायटी आती है और वो बिकती है, तो इसमें बिछुए में, पजेबों में बहुत वैरायटी आई हुई है, सोने में आपके से बेंगलोर का साउथ के आइटम बहुत अच्छे आए हुए हैं, जो ग्राहक बहुत पसंद भी कर रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र के भी आइटम बहुत अच्छे आते हैं सोने में, तो ये जो नए नए आइटम हर साल अलग अलग प्रदेशों के आते हैं, लोगों की पहली पसंद होते हैं, तो वो आइटम का चलन बहुत है और बहुत पसंद भी किया जा रहा है। दीपावली पे मुख्यतः
लोग हॉलमार्क 100% प्योर के चांदी के सिक्के लेते हैं, मूर्तियाँ 100% प्योर चांदी की आने लगी हैं। अब कैसे मूर्तियों में मीने का वर्क बहुत अच्छा आया है, बेंगलोर की चांदी की मूर्तियाँ भी अब कैसे पहली दफ़ा बहुत अच्छी आई हैं, खूबसूरत बर्तनों में बहुत आइटम है, क्योंकि आदमी दिवाली से दो दिन पहले का त्यौहार जो है उस पर बर्तन लेने बहुत अच्छे समझता है, तो चांदी के बर्तनों में बहुत लंबी रेंज है, सभी चीज़ों की रेंज काफ़ी अब कैसे आई है और ग्राहक को बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे आने में भी जो ग्राहक आएगा उसे सब चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, वैरायटी बहुत नई आई है। हाँ, कोरोना का जो असर था पहले कभी, शायद ग्राहक अब उतना असर नहीं मान रहा, एक बात। दूसरे बात कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सभी कर्मचारियों को बोनस दिया है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी आज हमने जो देखा कि बोनस देने का है, उस हिसाब से ये लगता है कि अब किसे कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लोग कोरोना से के प्रति भी सचेत हैं, हमने भी अपने दुकान पर पूरा सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम किया हुआ है, लोगों को दूरी बना के बैठाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, तो कोरोना का इफेक्ट तो है, हर लोग अपना मास्क लगा के आते हैं, लेकिन दुकानदारी फिर भी अब कैसे ऐसा लगता है कि जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने करा है, दुकानदारी अच्छी रहेगी, लोग अच्छी खरीदारी को निकलेंगे।